नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। आज मेरा लेक्चर 7 है एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ चंद्रमा के विषय में, चंद्रमा किन चीज़ों का कारक है, चंद्रमा की राशियाँ कौन सी हैं और चंद्रमा की करेक्टरिस्टिक क्या है। चंद्रमा हमारा एस्ट्रोनॉमिकली एक सैटेलाइट है, ये हम सभी जानते हैं, जो कि पृथ्वी से 3.84 लाख किलोमीटर दूर है। उसकी ग्रेविटेशन जो फोर्स है वो पृथ्वी के मुकाबले 1/6 होता है। इसलिए चंद्रमा पे चल, जब भी हम देखा होगा आपने, जब भी कोई चलने का प्रयत्न कर जाता है तो उसमें हमेशा उसको भारी वस्त्र पहनाए जाते हैं। चंद्रमा 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना माना जाता है उपग्रह के अंदर, उपग्रह है ये हमारा। अब इसमें एक चीज ये आती है कि चंद्रमा बहुत ही फास्टेस्ट प्लैनेट माना जाता है ज्योतिष के अंदर, जिसको कि एक राशि में घूमने में 2.25 दिन लगते हैं, 2.25 डेज पर राशि पर साइन। और एक राशि होती है 30 डिग्री की, यानी एक डिग्री घूमने में उसको 13.33 एक दिन में 13.33 डिग्री वो घूम जाता है, चल पड़ता है राशि के अंदर। इसलिए किसी की कुंडली में अगर चंद्रमा 13 डिग्री का हो, 13 डिग्री से ऊपर हो, तो उसका मतलब ये है कि चंद्रमा उस राशि में एक दिन से ऊपर उसका हो चुका है। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं और एक राशि को पार करने में चंद्रमा को 2.25 दिन लगते हैं। इसका मतलब चंद्रमा एक नक्षत्र पार करने में पूरा एक दिन का समय लेता है। इसके बाद आता है कि चंद्रमा की करेक्टरिस्टिक क्या है। चंद्रमा हमारा स्त्री कारक ग्रह माना जाता है। चंद्रमा जल तत्व का ग्रह माना जाता है, यानी इसमें इमोशंस हैं। यदि अगर जल तत्व ऐसा इंसान जिसका चंद्रमा थोड़ा वीक हो वो ज़्यादा इमोशनल होता है, या जिसका चंद्रमा बहुत अच्छा हो वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग होता है। चंद्रमा कारक होता है मन का, क्योंकि मन बहुत तेज चलने वाला माना गया है, मस्तिष्क बहुत तेज चलने वाला माना गया है। तो चंद्रमा मन का कारक है, मस्तिष्क कारक है। तो जब भी इंसान का चंद्रमा स्ट्रांग होता है तो उसका मस्तिष्क, उसका मन बहुत स्ट्रांग होता है। चंद्रमा के कमज़ोर होने से उसके मन मस्तिष्क पे भी थोड़ा फर्क पड़ता है। चंद्रमा क्योंकि बहुत स्पीड है, चंद्रमा के अंदर प्लेनेट है, तो जितनी भी स्पीड वाली चीज़ें हैं उनका कारक भी चंद्रमा है, जैसे मोटर बोट, जैसे एरोप्लेन्स, जैसे रॉकेट्स। और इन्हीं से नहीं बल्कि इनको बनाने वाली जो कंपनीज हैं, जैसे बोइंग है, एयरबस है, ऐसी कंपनीज का कारक भी चंद्रमा ही है। तो इस तरह के लोग जो जिनका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग हो, उनको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या रॉकेट साइंस या स्पीड जो जैसे मोटर बोट इंडस्ट्रीज़ हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज़ में बहुत अच्छा वो मिलता है, सक्सेस मिलती है, या इन चीज़ों का वो बिजनेस करे तो उसे बहुत सक्सेस मिलती है। तीसरी चीज़, चंद्रमा धातुओं में निकल, सिल्वर और एल्यूमिनियम का कारक है, यानी इन चीज़ों से बनी हुई जितने भी आइटम्स हैं, अगर चंद्रमा मजबूत है, इन चीज़ों का अगर बिजनेस इंसान करे तो उसको इसमें 100% फ़ायदा मिलता है। चंद्रमा आँखों का कारक भी है, क्योंकि चंद्रमा की चांदनी में हम लोग देखते हैं, बाहर दिखाई पड़ता है, तो इसलिए जो आंखें हैं, चूँकि वो भी देखने का काम करती हैं, फील करती हैं प्रकाश को, तो इसलिए चंद्रमा आंखों का कारक भी है। चंद्रमा का जो बॉडी पार्ट्स हैं वो हैं आपके चेस्ट, ब्रेस्ट। ब्रेस्ट क्यों? क्योंकि माता जब अपने छोटे बच्चे को दूध पिलाती है तो इसलिए बच्चा को शांति मिलती है, इसलिए चंद्रमा ब्रेस्ट का कारक भी माना गया है। चंद्रमा चूँकि ब्लड का कारक भी है, रक्त का कारक भी है, चंद्रमा एक जल तत्व है उसका, तो इसलिए जितनी भी वैसे शरीर पार्ट्स होते हैं, जैसे यूरिनरी ब्लैडर होता है या गॉल ब्लैडर होता है या यूरिनरी ट्रैक सिस्टम है, वो सारे चंद्रमा के अंडर में आते हैं। अगर चंद्रमा स्ट्रांग हो तो ये सब पार्ट्स आपके बहुत बढ़िया रहते हैं, अगर चंद्रमा में थोड़ा अफ्लेक्टेड हो तो इन सब पार्ट्स में प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसके अलावा चंद्रमा पानी का कारक है, वाटर, वाटर, क्योंकि चंद्रमा एक कूलिंग इफेक्ट देता है, चांदी रात कूलिंग इफेक्ट देती है, कूल एंड कॉमनेस का कारक है। तो जितनी भी वाटर स्पोर्ट्स हैं वो सारी चीज़ें चंद्रमा के ज्यूरिसडिक्शन में आती हैं, और अगर आपका चंद्रमा स्ट्रांग है तो वाटर स्पोर्ट्स का आप बिजनेस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको कृपया नहीं कीजिएगा। चंद्रमा मदर का कारक भी है, माता का कारक बोलते हैं, क्योंकि चंद्रमा से जैसे चांदनी और शीतलता मिलती है, वैसे ही माँ की गोद में आने के बाद बच्चे को चांद शीतलता मिलती है, और माँ बच्चे को अपने कई बार दिखाती है कि देखो चंदा मामा।
तो इसलिए चंद्रमा माता का कारक भी है। अगर चंद्रमा किसी का स्ट्रांग हो तो ऐसे इंसान का अपनी माता से बहुत प्यार रहता है, उसको माता का आशीर्वाद भी रहता है, और अगर चंद्रमा थोड़ा अफ्लेक्टेड हो तो उसके चांस हो जाते हैं कि वो माता से थोड़ा दूर रहेगा या माता की तबीयत थोड़ी सी नासाज भी रह सकती है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, चंद्रमा कोल्ड ड्रिंक्स का कारक भी है, क्योंकि जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनको पीने से शरीर में ठंडक मिलती है। तो इसी प्रकार से जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स की कंपनी हैं जो बनाती हैं, उनको मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वो सारी भी चंद्रमा के अंडर में आती हैं। चूँकि चंद्रमा कूल है, काम है, तो इसलिए हिल स्टेशंस, क्योंकि हिल स्टेशंस पे आप जाने से इंसान को एक कूलनेस का अनुभव होता है, फील होती है कूलनेस, तो इसलिए हिल स्टेशन का कारक भी चंद्रमा है। अगर चंद्रमा स्ट्रांग हो तो हिल स्टेशंस पे भी आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, चाहे वो रिजॉर्ट खोलें चाहे कोई होटल खोलें। तो ये आपको मैंने इस पे बताया, और इसका जो राशि के बारे में है, उच्च राशि में इसकी वृष है जो 3 डिग्री तक होती है, नीच राशि की इसकी वृश्चिक है जो 3 डिग्री तक होती है, और इसके स्वयं की राशि कर्क होती है। तो आशा है कि मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया से लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से मेरी हौसला अफजाई होगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा नई नई वीडियो बनाने का। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।